गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब कैसे हो? अच्छे हो ना घर पर? आज हम क्या करने वाले हैं? एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। सी, पहले हम कैसे करते थे? वर्टिकल करते थे और हॉरिजॉन्टल करते थे। अब हम क्या करें? एडिशन ऑन अ नंबर लाइन कैसे करेंगे? चलो फर्स्ट दिखाती हूँ। 2 + 4, तो राइट तो हम पहले क्या करते थे, 4 को बड़े डिजिट को माइंड में रखते थे और 2 को फिंगर पर लेते थे, राइट? इससे हमें एडिशन का आंसर मिल जाता था। पर अभी हमें नंबर लाइन पर ऐसा नहीं करना। नंबर लाइन को हमें क्या करना है, 2 को माइंड में रखना है और 4 को नंबर लाइन पर दिखाना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये आगे देखना पड़ेगा। ओके, चलो तो अभी मैं 2 को माइंड में रखती हूँ और 4 को नंबर लाइन पर लेने वाली हूँ। वो कैसे, चलो 2 के लिए मैंने अंडरलाइन डार्क की है और 4 के लिए मैंने थोड़ी सी पतली की है। ओके, अभी मैं फिंगर पर आपको भी एक दिखाती हूँ। 2 को 1, 2, 3, 4, ओके, तो क्या आया आंसर, 6, सही है। 4 को मैंने फिंगर पर लिए और 2 को मैंने माइंड पर लिया। अभी हम करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे करेंगे, चलो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करती हूँ, बिग लाइन। ओके, फिर मैंने कहाँ से शुरू करूँगी, 0 से, 0 से फिर लाइन ड्रॉ करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 10 तक मैंने ड्रॉ किया है। अभी क्या करूँगी, 2 कहाँ है, चलो फाइंड आउट करो। अभी मैंने न्यू और एक सम लिया है, 3 + 4। ओके, तो मैंने 0 से 3 पर मैं अभी जंप करूंगी। ओके, देखो मैंने एरो बताया है। अभी मैं 3 पर क्या करूंगी, कुछ नहीं, 3 तो मेरे पास है और कितने जंप करने हैं, 4 जंप करने हैं, 3 से 4 जंप, यानी कहाँ आएगा, तो 1, 2, 3, 4, क्या आया, 7 आया, आंसर इज 7। तो अभी उसको भी मैंने जंप करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यानी उस पर भी बड़ा वाला जंप आएगा 3 से 7 तक का। ओके, और एक एरो भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि उस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। तो अभी आंसर क्या आया, 3 + 4 = 7। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू की बाजू में 7, 7 इज द राइट आंसर। चलो अभी हम एक और करेंगे आपको दिखाने के लिए। फोर प्लस फाइव, ओके, सेम थिंग करनी है, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से मैं स्टार्ट करूंगी, 1, 2, 3, ऐसे बोलो और लिखना। ओके, यानी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लिखने की प्रैक्टिस भी, और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। अभी कौन सा है फर्स्ट नंबर, 4, ओके, तो 0 से मैं जंप करूंगी 4 के ऊपर, एरो दिखाना है। अभी 5, यानी 5 अभी जंप करने हैं, 4 से 5 को जंप करने हैं, तो चलो 1, 2, 3, 4, 5, आंसर इज 9। तो 9 पर अभी क्या करेंगे, डॉट लग दिया है मैंने, तो 4 से डायरेक्ट हम 9 पर क्या करेंगे, जंप, और क्या दिखाएंगे, एक छोटा सा एरो दिखाएंगे। तो अभी आंसर इज 9। तो अभी इक्वल टू के बाजू में मैं क्या करूंगी, 9 लिख दूंगी। ओके, अभी मैं एक और वर्कशीट भेजूंगी जिसमें नंबर लाइन है, तो आपको मम्मा की हेल्प से करनी है। ओके, थैंक यू।